हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिफ खान एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है अपग्रेडेशन ऑफ मैक्रो सिलेंडर्स। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास है एप्पल मैक्रो सिलेंडर जिसका डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है इंटेल Xeon 6 कोर प्रोसेसर, जिसे हम अपग्रेड करके 12 कोर प्रोसेसर करेंगे, और इसका रैम है 16 GB, जिसे हम अपग्रेड करके करेंगे 64 GB ऑफ रैम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो आर्टिको टेक्नोलॉजीज में। सो अपग्रेड करने से पहले हम इसका डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। हम जाएंगे अबाउट दिस मैक पर, और यहाँ आप देख सकते हो इसका प्रोसेसर है 3.5 GHz 6 कोर इंटेल Xeon E5, और इसका रैम है 16 GB 1866 MHz DDR3। मेमोरी टैब पर क्लिक करके आप देख सकते हो इसमें 4 GB के 4 मेमोरी मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं, मेकिंग इट टोटल 16 GB। इसे और डिटेल में जानने के लिए हम जाएंगे सिस्टम रिपोर्ट पर और क्लिक करेंगे मेमोरी पर। यहाँ पे इन रैम्स के सारे डिटेल्स मौजूद हैं और इन सब के वर्किंग स्टेटस ओके है, जिसका मतलब ये सारे मेमोरी मॉड्यूल्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। सिमिलरली प्रोसेसर के सारे डिटेल्स जानने के लिए हम क्लिक करेंगे हार्डवेयर पर। यहाँ आप देख सकते हो नंबर ऑफ प्रोसेसर इज 1, टोटल नंबर ऑफ कोर्स इज 6, और इसका L3 कैशे है 12 MB। आफ्टर अपग्रेडेशन हम ये सारे डिटेल्स फिर से चेक कर लेंगे। ये है हमारा मैक प्रो जिसे आज हम अपग्रेड करेंगे। बिफोर डिसमेंटल हम डिस्कस कर लेते हैं इसके IO पोर्ट्स के बारे में। यह है ऑडियो आउटपुट जैक और यह है हेडफोन जैक। इसके नीचे है 4 USB 3.0 पोर्ट्स, और इसके नीचे है 6 थंडरबोल्ट 2 पोर्ट्स। इसके नीचे है डुअल गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट, और यह है HDMI 1.4 पोर्ट सपोर्टिंग अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन, और यह है पावर ऑन ऑफ बटन, और यह है यूनिवर्सल मेन लाइन इनपुट सपोर्टिंग 100 टू 240 वोल्ट AC इनपुट, एंड लास्टली यह है एनक्लोजर लैच टू रिमूव द मैक प्रो एनक्लोजर। सबसे पहले हम एनक्लोजर निकाल लेंगे। अभी हम इसका इंटरनल डिजाइन भी चेक कर लेते हैं। यहां पर है 2 रैम स्लॉट्स, और इस तरफ भी है 2 रैम स्लॉट्स। टोटल 4 रैम स्लॉट्स मौजूद है, और यह है ग्राफिक्स बोर्ड भी जिस पर SSD स्लॉट है विच इज अपग्रेडेबल, और ग्राफिक्स बोर्ड बी के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें मिल जाता है ग्राफिक्स बोर्ड ए। सो बेसिकली सारे मैक प्रो सिलेंडर्स में हमें 2 ग्राफिक्स कार्ड मिल जाते हैं, जो कि है AMD फायर प्रो ग्राफिक्स कार्ड। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका SSD। SSD निकालने के लिए हम यूज करेंगे टॉक्स T8 स्क्रू ड्राइवर। SSD को धीरे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है टू अवॉइड एनी डैमेजेस, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। अभी हम सारे मेमोरी मॉड्यूल्स निकाल लेंगे। हम नॉच को प्रेस करेंगे इस एरो मार्किंग पर, जिससे रैम स्लॉट अनलॉक होकर बाहर आ जाएगा। सिमिलरली हम दूसरे साइड के नॉच को भी प्रेस करके और 2 रैम मॉड्यूल्स निकाल लेंगे। टोटल 4 रैम स्टिक्स हमने निकाल ली है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें बाय डिफॉल्ट 4 GB PC3-14900E रैम है, विच इज DDR3 1866 MHz फुल लेंथ अनबफर्ड रैम। नेक्स्ट हम मैक प्रो के टॉप पे इंस्टॉल्ड फैन असेंबली निकाल लेंगे, विच इज सिक्योर्ड विद 5 T10 स्क्रूज। इसके लिए हम यूज करेंगे टॉक्स T10 स्क्रू ड्राइवर। फैन असेंबली का कनेक्टर टुवर्ड्स IO बोर्ड है, सो हमें इसके ऑपोजिट साइड से इसे धीरे से टिल्ट करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। फैन केबल एक ब्रैकेट से सिक्योर्ड है, जिसे हम T7 स्क्रू ड्राइवर से निकाल लेंगे। और नायलॉन स्टिक से हम फैन केबल को डिस्कनेक्ट कर लेंगे, और इसी स्टिक से हम फैन असेंबली एंटेना केबल को भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे फ्रॉम IO बोर्ड। सक्सेसफुली फैन असेंबली निकल चुका है, बहुत डस्टी है, इसे हम रीअसेंबलिंग से पहले क्लीन कर लेंगे। अभी हम मैक प्रो को 180 डिग्री फ्लिप करके इसका लोअर केस निकाल लेंगे बाय रिमूविंग 5 T10 स्क्रूज, जिसके लिए हम यूज करेंगे टॉक्स T10 स्क्रू ड्राइवर। लोअर केस को सिंपली ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है टू इजीली रिमूव इट।
नेक्स्ट हम निकाल लेंगे इसका सर्कुलर शेप्ड लॉजिक बोर्ड विच इज सिक्योर्ड विद 2 T7 स्क्रूज। इसके लिए हम यूज करेंगे टॉक्स T7 स्क्रू ड्राइवर। और लॉजिक बोर्ड को पुल करने से पहले हम FCM Mac कनेक्टर्स को दोनों ग्राफिक कार्ड से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। इन कनेक्टर्स को हमें 90 डिग्री एंगल में बाहर की तरफ पुल करना है ताकि कोई भी इंटरनल पिंस डैमेज ना हो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। और फाइनली हम लॉजिक बोर्ड को ऊपर की तरफ पुल करके आराम से निकाल लेंगे और एक आखिरी FCM Mac कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर लेंगे फ्रॉम लॉजिक बोर्ड। यह हमारा सर्कुलर शेप लॉजिक बोर्ड सक्सेसफुली बाहर निकल चुका है, बहुत डस्टी है, इसे भी हम रीअसेंबलिंग से पहले क्लीन कर लेंगे। और लॉजिक बोर्ड को होल्ड करते समय आपको ध्यान देना है कि आप FCM Mac कनेक्टर के पिंस को टच ना करें टू अवॉइड एनी डैमेजेस। नेक्स्ट हम इसका लोअर केस टेम्पररी इंस्टॉल करेंगे और मैक प्रो को 180 डिग्री फ्लिप कर लेंगे। अभी हम ये ब्लैक कवर ग्रिल को निकाल लेंगे विच इज सिक्योर्ड विद 2 T5 स्क्रूज। हम यूज करेंगे टॉक्स T5 स्क्रू ड्राइवर। इस ग्रिल को हम इजीली पुल करके निकाल लेंगे। सो जैसे कि आप सभी को हमने बताया है, यह है इसका ग्राफिक बोर्ड ए और इसके राइट पर है ग्राफिक्स बोर्ड बी। दिस इज द इनपुट आउटपुट बोर्ड जिसके एग्जैक्ट पीछे है पावर सप्लाई यूनिट और पावर सप्लाई के एग्जैक्ट पीछे है हमारा CPU राइजर कार्ड। CPU राइजर कार्ड पर है इंटेल ज़ियोन प्रोसेसर एंड ऑल द 4 RAM स्लॉट्स। सो सबसे पहले हम IO बोर्ड विद पावर सप्लाई को निकाल लेते हैं। इसे निकालने के लिए हम पहले ये 4 स्टील फिनिश T8 स्क्रूज को अनस्क्रू कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉक्स T8 स्क्रू ड्राइवर। अभी हम IO बोर्ड विद पावर सप्लाई को धीरे से टिल्ट करके ऊपर की तरफ पुल कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली निकल चुका है। पावर सप्लाई इज रिमूवेबल फ्रॉम IO बोर्ड बट इस वीडियो में हम ये नहीं करेंगे। और आपको ध्यान देना है आप FCM Mac कनेक्टर्स के पिन को डैमेज ना करें। और फाइनली हमारा CPU राइजर कार्ड एक्सेसिबल हो गया है जिस पर इंटेल ज़ियोन प्रोसेसर और 4 मेमोरी स्लॉट्स मौजूद हैं। इसे डिटैच करने के लिए हम बाहर के चारों 12.8mm ब्लैक स्क्रूज को अनस्क्रू कर लेंगे विद हेल्प ऑफ टॉक्स T10 स्क्रू ड्राइवर। इसे सही से निकालने के लिए हम पहले सारे स्क्रूज को लूज कर लेंगे और डायगनली इसे रिमूव करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। ये हमारे चारों T10 स्क्रूज निकल चुके हैं। एंड लास्टली हम यहाँ से 2 5.5mm स्टील फिनिश्ड टॉक्स T8 स्क्रूज भी निकाल लेंगे। फाइनली हम CPU राइजर कार्ड को ट्रायंगुलर हीट सिंक से पुल करके निकाल लेंगे। CPU का थर्मल पेस्ट ड्राई हो चुका है सो इसे निकालने में थोड़ा स्ट्रेंथ लगेगा। सो ये सक्सेसफुली निकल चुका है। हम हीट सिंक पर मौजूद कॉपर कोर से ड्राई थर्मल पेस्ट को अच्छे से क्लीन कर लेंगे विद हेल्प ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सिमिलरली हम प्रोसेसर से भी ड्राइड थर्मल पेस्ट को रिमूव करके इसे थरली क्लीन कर लेंगे। सो जैसे कि हमने macOS में चेक किया था, इट्स ए इंटेल ज़ियोन प्रोसेसर क्लॉक्ड एट 3.5 GHz। इसका एग्जैक्ट मॉडल है E51650V2। गूगल पर सर्च करने से आपको इसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि इसका टोटल नंबर ऑफ कोर्स, टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स, कैश साइज एट्सेट्रा। और इस प्रोसेसर को निकालने के लिए हमें यहाँ से 4 12.8mm टॉक्स T10 स्क्रूज निकालना है। इन स्क्रूज के ऊपर ब्लैक स्टिकर्स लगे हुए हैं, थर्ड पार्टी टेम्पर जानने के लिए है। सो हम ये स्टिकर्स को रिमूव करके सारे स्क्रूज को निकाल लेंगे। हम एक सॉफ्ट क्लॉथ रख के सारे स्क्रूज निकाल लेंगे ताकि प्रोसेसर डैमेज ना हो। पहले सारे स्क्रूज लूज कर लेंगे और फिर इन्हें डायगनली निकाल लेंगे। ये सारे स्क्रूज निकल गए हैं। अभी हम ये मेटल ब्रैकेट निकाल लेंगे। सो ये है CPU सॉकेट जिसे आपको टच नहीं करना है वरना पिंच डैमेज हो सकती है।
सो हैंडल इट विथ एक्सट्रीम केयर। और ये रहा हमारा 6-कोर इंटेल ज़ियोन प्रोसेसर। और ये है हमारे पास इंटेल 12-कोर प्रोसेसर। मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स दिखा देता हूँ। ये है इंटेल ज़ियोन E5-2697V2 12-कोर प्रोसेसर क्लॉक्ड एट 2.7 GHz। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गूगल दिस एग्जैक्ट मॉडल नंबर। चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं इस मैक प्रो पर। हमारे पास है वन ऑफ द बेस्ट थर्मल कंपाउंड विच इज आर्टिक MX4, जिसे हम अप्लाई करेंगे। बट पहले हम प्रोसेसर को फिट कर लेते हैं CPU सॉकेट में। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर सिर्फ एक ही पोजीशन पर फिट होगा ड्यू टू इट्स डिज़ाइन लेआउट। सो देर इज़ नो रिस्क ऑफ पुटिंग इट ऑन ए रॉन्ग वे। प्रोसेसर फिट करने के बाद हम इसे फ्लिप करके मेटल ब्रैकेट इंस्टॉल कर देंगे और नैनो स्टिक की मदद से इसे आराम से नीचे प्लेस कर लेंगे ताकि प्रोसेसर मिसअलाइन ना हो। नेक्स्ट हम सारे स्क्रूज को मेटल ब्रैकेट में सिक्योरली फिट कर लेंगे। हमें कभी भी एक ही स्क्रू को फुल टाइट नहीं करना है, पहले सारे स्क्रूज को फिट करना है और फिर ग्रेजुअली सारे स्क्रूज को टाइटन करना है टू गेट ए परफेक्ट फिटिंग एंड अलाइनमेंट। ये परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है प्रोसेसर। हम इस बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। ये परफेक्टली क्लीन हो चुका है। अभी हम प्रोसेसर पर थर्मल कंपाउंड अप्लाई कर लेते हैं। इसे इवनली अप्लाई करना है फॉर प्रॉपर हीट डिसिपेशन। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो तो कोई इशू नहीं, बिकॉज ये थर्मल कंपाउंड नॉन कंडक्टिव है। एंड फाइनली हम इसे रीइंस्टॉल कर लेंगे ट्रायंगुलर हीट सिंक पर और सारे स्क्रूज रिफिट कर लेंगे। पहले सारे स्क्रूज को फिट करना है और फिर ग्रेजुअली सारे स्क्रूज को टाइटन करना है टू गेट ए परफेक्ट फिटिंग एंड अलाइनमेंट। सो ये परफेक्टली फिट हो चुका है। अभी हम सारे पार्ट्स को क्लीन करके इसे रीअसेंबल कर लेंगे। रीअसेंबलिंग के बाद हम इसके रैम को अपग्रेड करेंगे। सो सिट बैक एंड एंजॉय द रीअसेंबलिंग इन टाइम लैप्स। सो रीअसेंबलिंग इज डन। सो यहाँ पर है हमारे पास 4 मेमोरी मॉड्यूल्स ऑफ 16 GB ईच, मेकिंग इट टोटल 64 GB। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है 16 GB PC3-14900R विच इज़ DDR3-1866 MHz फुल लेंथ रजिस्टर्ड रैम।
हम इन रैम्स को इजीली इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। अभी हम SSD रीइंस्टॉल करके इसका एनक्लोजर फिट कर लेंगे। सो चलिए इसे पावर ऑन करके देखते हैं हमारा अपग्रेडेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। कॉन्ग्रेट्स फ्रेंड्स, हमारा मैक प्रो सक्सेसफुली बूट हो चुका है। सो लेट्स चेक आउट इट्स कॉन्फ़िगरेशन। हम जाएंगे अबाउट दिस मैक पर और हमारा प्रोसेसर अपग्रेड हो चुका है 2.7 GHz 12-core इंटेल ज़ियोन E5 में और रैम अपग्रेड हो चुका है 64 GB 1866 MHz DDR3 में। हम क्लिक करेंगे मेमोरी पर और यहाँ आप देख सकते हो सारे स्लॉट्स में 16 GB के रैम इंस्टॉल्ड हैं, मेकिंग इट टोटल 64 GB। इस अपग्रेडेशन को डिटेल में देखने के लिए हम जाएंगे सिस्टम रिपोर्ट पर। यहाँ आप देख सकते हो नंबर ऑफ प्रोसेसर इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ कोर्स इज 12 और इसका L3 कैश है 30 MB, जो कि 12 MB था 6-core प्रोसेसर में। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे मेमोरी पर और यहाँ सारे रैम्स के स्टेटस ओके है। सो कॉन्ग्रेट्स फ्रेंड्स, हमने रैम एंड प्रोसेसर को सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, हमने इजीली एंड सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया है मैक प्रो सिलेंडर के प्रोसेसर एंड रैम को। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।